अच्छा जी, आज हमारी लास्ट क्लास का पार्ट टू है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पोस्टर बना सकते हैं कोई भी इमेज यूज करते हुए। तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज हमारा है पार्ट टू। ठीक है, आज पार्ट टू के अंदर हम बनाएंगे एक अदद पोस्टर। लास्ट टाइम जो हमने इमेज क्रॉप करा था फुटबॉलर का, तो आज हम फुटबॉल का एक पोस्टर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि फाइल पर आके न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक हम ले लेते हैं प्रिंट में आके A4, बल्कि लेटर ले लें। ठीक है, लेटर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे साइज आ रहा है 8.5 और हाइट आ रही है 11। ठीक है, और रेजोल्यूशन आ रही है 300। आप इसको फिलहाल 72 कर दीजिएगा और RGB रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब ऊपर के ऑप्शन नहीं मिले तो सिंपल, जब आप न्यू करते हैं तो यहाँ पे विद आ रही होती है, विद आपने लेनी है 8.5 इंचेस में, हाइट आपने लेनी है 11 और रेजोल्यूशन रखनी है आपने 72 और कलर मोड रखना है आपने RGB। अब ये RGB क्या है, ये CMYK क्या है, ये सब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है जी, आपने करा क्रिएट, ये आपके सामने आपका पेज आ गया। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है कि आप फाइल पाएंगे, यहाँ से आप ओपन करेंगे एक अदद इमेज, जस्ट लाइक मेरे पास ये इमेज है। ठीक है, पर मैं यूज करूंगा ये वाला इमेज। ठीक है, आपने इसको ओपन करा, ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इमेज और खोल लेते हैं, फाइल ओपन, और यहाँ से एक इमेज ले ली हमने, ये आपने उसको ओपन करा। उसके बाद इस इमेज को हम लेके जाएंगे इस वाले पे, तो हम इसको उठाते हैं, लेफ्ट क्लिक दबा के रखिएगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा आपने, यहाँ पे लेके आए और उसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, या तो आप इस तरह कर लें या फिर आप कंट्रोल ए करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का से क्या होगा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक है, इससे होता है क्या है, पूरी सिलेक्शन पेज पर आ जाती है। अब आप करें कंट्रोल सी और इस पेज पर आके करें कंट्रोल वी, तो आपका पूरा इमेज उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप करेंगे कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। उससे होगा क्या कि आप अपने ऑब्जेक्ट या इमेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसके गिर्द चारों तरफ लाइन आ गई है। ठीक है, अब आप क्या करें, ऑल्टर दबा के रखिएगा, और अच्छा मेरे पास ऑल्टर है, आप अगर ऑल्टर ना चले आपका तो आप शिफ्ट दबा के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्जन में इसमें कुछ चेंजिंग है। ठीक है, तो फिलहाल आप ऑल्टर दबा के शिफ्ट दबा के देखिएगा, तो ये छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, चारों तरफ से छोटा हो रहा है। आप अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप शिफ्ट ऑल्टर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऑल्टर के जरिए भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल मैंने ऑल्टर दबाया तो ये छोटा हो चुका है यहाँ से चारों तरफ से, और पुराने वर्जन में मेरे ख्याल से शिफ्ट ऑल्टर के जरिए इसको छोटा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा और डबल क्लिक करा या इंटर करा तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं आता हूँ दूसरे इमेज पे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और इस पेज पे आके कंट्रोल वी पेस्ट, फिर कंट्रोल टी करूँगा ट्रांसफॉर्म, ताकि इमेज का साइज छोटा बड़ा कर सकूँ। इसको यहाँ रखता हूँ, ऑल्टर दबा के इसको मैंने बड़ा करा, आप शिफ्ट ऑल्टर या शिफ्ट के जरिए इस पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आके विंडोज में आएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर पैनल खुल जाएगा। तो नीचे हमारी लेयर 1 है, ऊपर लेयर 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर। ठीक है, ग्रेडियंट कलर कैसे देंगे हम, ये ब्लैक कलर ऊपर आ रहा है, यहां से हमें कलर डार्क लेंगे, यहां से हमने ये कलर ले लिया, इसका कोड ये आ रहा है, चाहे तो आप लिख के डाल दें, आपने ओके करा। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताते जाऊं कि सबसे पहले तो अब आप इसको करेंगे मास्क, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सबसे पहले मास्क करेंगे। मास्क से होगा क्या कि ये दो इमेज आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ऐसे जुड़ जाएंगे कि जैसे ये एक ही इमेज हो। किस तरीके से, यहाँ से आपने लेना है ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, और यहाँ से आपके पास ब्लैक कलर सेलेक्ट हो। ठीक है, क्लिक करके यहाँ से आपने ब्लैक कलर लेना है, ओके करना है, और उसके बाद यहाँ से आप लेंगे ये ऑप्शन, एक तरफ ब्लैक होगा और एक तरफ होगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद शिफ्ट के साथ नीचे से आप ऊपर की तरफ इसको करें। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आप यहाँ पे एक मास्क ऑप्शन लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो मास्क आ जाएगा। ठीक है,
अब आप शिफ्ट के साथ इसको ऊपर से नीचे की तरफ करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपस में कंबाइन होता जा रहा है, ठीक है, ये मास्किंग हो रही है। उसके बाद हम इमेज को एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, जहाँ इसको एडजस्ट करना हो। ओके जी, ये आपस में मिक्स हो गया, पता भी नहीं चल रहा, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक इमेज हो, ठीक है जी। उसके बाद आप खोलेंगे एक लेयर यहाँ से और दो यहाँ से कलर और सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड में, जैसे मैंने डार्क कलर सेलेक्ट करा हुआ है और इसका कोड यहाँ पे आ रहा है। अब आप करेंगे ओके, उसके बाद आपने एक लेयर खोली इसके ऊपर और यहाँ से लिया दोबारा आपने ग्रेडियंट टूल, और ग्रेडियंट टूल लेने के बाद आपने सेलेक्ट करा लेफ्ट साइड पे ये वाला और उसको ऊपर की साइड से आपने इस तरह भर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसको इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको भी मास्क करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लीजिएगा और दोबारा यहाँ से लीजिएगा ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट, ब्लैक यहाँ पे सेलेक्ट हो, शिफ्ट के साथ इसको आपने इस तरह फेरना है, ठीक है जी, थोड़ा और यहाँ से फिर आप ले लेंगे हार्ड लाइट, ठीक है जी, ये आपका आ गया। थोड़ा सा और इसको फेर दीजिएगा ऊपर तक, ओके बेहतरीन हो गया, थोड़ा सा और देखते हैं, ओके जी बेहतरीन हो गया। अब आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, ओपन, यहाँ से आपने दोनों क्लाउड्स ले लिए, ठीक है, क्लाउड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, आपने क्लाउड्स लिए। अब आपने इसको क्या करना है कि अब आप कंट्रोल ए दबाएं, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ आप कर देंगे इसको पेस्ट, कंट्रोल टी से इसको छोटा करेंगे, ठीक है जी, इसको यहाँ रखा, उसके बाद आपने ये भी उठाया, दो है हमारे पास तो आपने ये भी ले लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर दिया आपने, ठीक है जी, इसको यहाँ रख दिया आपने और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अब इस वाले पे सेलेक्ट करके आप इसको कर देंगे स्क्रीन और इस पे भी क्लिक करके आप इसको कर देंगे स्क्रीन, ठीक है जी, थोड़ा यहाँ रखें, थोड़ा सा इसको आपने यहाँ रखना है, थोड़ा सा इसको ये, ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम फाइल पाएंगे दोबारा, ओपन, और यहाँ से लेंगे हम फायर स्पार्क्स, ओपन करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ करेंगे हम इसको पेस्ट, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल टी, ऑल्टर के साथ इसको छोटा करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको करेंगे स्क्रीन, तो थोड़ा सा आगे लेके आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट के हमारे पास दो तीन तरीके हैं, एक तो इसको उठा के जब आप इस पर रखेंगे तो भी डुप्लीकेट हो सकता है, या फिर आप कंट्रोल जे करें तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप कंट्रोल टी करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से लेंगे आप फ्लिप हॉरिजेंटल, इसको रख देंगे आप यहां पे, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे एक, यहां से आप टी पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर टेक्स्ट आ रहा होगा गोथम, यहां से लीजिएगा बोल्ड इटैलिक और साइज कीजिएगा, मैं 148 सेलेक्ट कर लेता हूं, और अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हीरो, और मैंने इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करा, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ, कंट्रोल टी, थोड़ा इसको यहाँ रखा ऐसे और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है जी, ये आपका आ गया हीरो लिखा हुआ। और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सॉफ्ट लाइट, और इसकी एक डुप्लीकेट और बनाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ ओवरले, ठीक है जी, ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, कंट्रोल दबा के दूसरी लेयर पे क्लिक कीजिएगा, दोनों सेलेक्ट हो गए, इसको यहाँ रखा, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको और ऊपर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगता है कि मुझे इसको नीचे करना चाहिए इस लेयर को, थोड़ा सा मैं इसको नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, थोड़ा सा और इसको ऊपर, ओके जी। अब एक टेक्स्ट और लिखूंगा मैं, ठीक है जी, टेक्स्ट टूल लेके आपने क्लिक करा यहाँ पे और यहाँ पे आपने लिख दिया बी योर ऑन, ठीक है जी, और इसका साइज आपने ले लेना है, पहले तो देखें गौतम है बोल्ड इटैलिक और उसका साइज ले लिया आपने 40, इंटर मारें, ओके जी, इसको उठा के आप रखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल टी से थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह, और ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट करें दोबारा
और ऑल्टर दबा के जब आप राइट एरो करेंगे तो ये इसमें गैपिंग बढ़ेगी, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। और इसकी ओपासिटी जो है, ओपेसिटी या ओपासिटी जो आप कहना चाहते हैं, इसको आपने कर दिया 86, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, मेन पार्ट। अब आप आएंगे फाइल के अंदर ओपन, और यहाँ से के इमेज उठा लेंगे, ये वाला आप इसको ओपन कीजिएगा। इसको उठा के कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पेस्ट, और फिल्टर में आके इसको करेंगे ब्लर और करेंगे गॉशियन ब्लर। इसको कर देंगे 35, आप ओके करेंगे, ठीक है जी। और इसको करेंगे आप स्क्रीन, ठीक है जी। इसको यहाँ रखा, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है जी, कंट्रोल जे। और उस कॉपी को आप करेंगे लीनियर डॉज एट, ठीक है जी। और कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू से ह्यू एंड सेचुरेशन खुलता है, इसको आप कलर यहां से आप कर, इससे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका कलर लिया दिस वन, ये सही है। आपने ओके करा, अच्छा जी। अब आप आएंगे फाइल में ओपन, और लास्ट टाइम हमने फुटबॉलर की इमेज को आप उसका बैकग्राउंड मूव करा था, तो आप ओपन कर लें, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, राइट क्लिक सॉरी कंट्रोल टी करके इसको छोटा कीजिएगा, इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है। फॉन्ट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, थोड़ा इसको यहाँ रखेंगे। अच्छा, अब ये हम इसके ना थोड़े से शेड्स बनाएंगे, शेडो बनाएंगे इसके पैर के नीचे और फुटबॉल के नीचे, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। अब आप करेंगे एक एरो यहाँ से ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका ब्रश कुछ इस तरीके से आ रहा हो तो कैप्स लॉक दबाएंगे तो ये इस तरह सर्कल में आ जाएगा, साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। कलर ब्लैक लीजिएगा, एक लेयर खोलिएगा और क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास दो मरतबा क्लिक लीजिएगा, बल्कि एक ही काफ़ी, ठीक है। इसको आप यहाँ रखें, थोड़ा सा हमें बीच में दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके इस तरह। उसके बाद हम नीचे आएंगे और इसको करेंगे कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ इसको इस तरह दबाएंगे, कंट्रोल के साथ थोड़ा सा इसको इस तरह उठा लीजिएगा, इसको यहाँ रखिएगा एक, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा और इसको यहाँ रखिएगा, थोड़ा सा और कंट्रोल के साथ इसको आप फैला सकते हैं, ठीक है। इसको मूव करा यहाँ तक, अच्छा जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, बट उससे पहले इसकी ओपासिटी जो है थोड़ी सी कम कर दें, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। उसके बाद इसकी डुप्लीकेट बनाएगा कंट्रोल जे से, और उसको छोटा कीजिएगा, उसको रखिएगा फुटबॉल के नीचे, इसको यहाँ रखिएगा और इसको भी यहाँ रखिएगा, ठीक है। फुटबॉल के फुटबॉल वाले को सिलेक्ट कीजिएगा और इसको लॉक कर दें, ठीक है। यहाँ से लॉक करें इसको, और ताकि मूव ना हो इसको पकड़ के यहाँ रखें, ओके ये हो गया। अब इसकी एक और डुप्लीकेट बनाएं इस वाले की, कंट्रोल जे, उसको उठा के थोड़ा छोटा कीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा करें और शूज़ के नीचे रखते हैं ऐसे, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप फाइल पे आइएगा ओपन, और यहाँ से आपने ये ले लिया क्लाउड अगेन, बल्कि खुला हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको कॉपी करा और इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, और इसको उठा के फुटबॉलर के ऊपर रखिएगा, इसको करेंगे आप स्क्रीन, और थोड़ा सा करेंगे इसको छोटा, ठीक है जी, ऑल्टर के साथ या शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको छोटा करेंगे आप, ठीक है। इसको यहाँ रख दीजिएगा ऊपर, ठीक है जी, इसको यहाँ करके इसको थोड़े से यहाँ रख दिया आपने, यहाँ पे। उसके बाद फाइल पे आएंगे ओपन, और यहाँ से ही ओपन कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पेस्ट, इसको करेंगे स्क्रीन, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, इसको यहाँ रखा, इनको मैं बंद कर लेता हूँ जरा सा,
उसके बाद फाइल ओपन, और यहाँ से लूँगा मैं ये, ओपन करें इसको, उसको कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। ठीक है जी, कंट्रोल टी से छोटा कीजिएगा इसको इमेज साइज, ठीक है, कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है जी, और स्क्रीन कीजिएगा इसको, और ये थोड़ा सा ऊपर रखें, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, ठीक है जी, थोड़ा सा और ऐसे कर लें, ओके जी, इसको यहाँ रखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें दो अदद लोगो ऐड कर देते हैं, ओपन, और इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म, छोटा करके इसको यहाँ लगा दें एक, और एक जो है यहाँ लगा दें, ठीक है जी, या चाहें तो दोनों साथ लगा दें, ओके जी, परफेक्ट, आपका फुटबॉल पोस्टर तैयार है। थैंक यू, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।